press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार निभा इमरान को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हिंदुस्तानी शेरनी नाजी अलाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और यही अल्लाह के वफादारों को मैं यहाँ भारत में भी देख रही हूँ, जो मिले बुआ कर रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं चंदा, क्योंकि अरब ने तो बिल्कुल मना कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है। भारत में पहले अरब से बहुत चंदा आता था मदरसों के लिए और मस्जिदों के लिए, अब MBS साहब ने हाथ रोक लिया, खतर ने भी अब हाथ रोक लिया, बोला नहीं दे, भारत के मुसलमानों को अब कोई चंदा नहीं दिया जाएगा। अब ये परेशान हो रहे हैं, कह रहे भैया ये क्या हो गया, हमको भीख नहीं मिलेगा, चंदा नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। जैसे आपके नवाज शरीफ कहते हैं ना, देखिए अब लोग कहेंगे कि हम यहाँ मांगने आ गए हैं, लेकिन हम मांगने नहीं आए हैं, हम मजबूरी से मांग रहे हैं, यही बोलते हैं ना। अब आप कुछ बोलिएगा नहीं तो चलिए व्यूअर सोचेंगे कि देखो नाजिया झूठ बोल रही है, तो उस झूठ को सच में बदल देते हैं, उस झूठ को भी सच में बदलते हैं, क्योंकि नाजिया हवा में बात नहीं करना चाहती है, उस झूठ को भी सच में बदलते हैं। मैं सब रखती हूं, क्योंकि होता क्या है, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने ये क्या कर रहा है, ये इतने बड़े मीटिंग में मोबाइल क्यों काट रहा है, आप लोगों की मांगने की आदत नहीं जाएगी ना। ये क्या कर रहा है, ये काटेगिरी क्या कर रहा है, नहीं लगा पा रहा है, मतलब ओ हाँ, अल्लाह ने तो कहा है कि साइंस वाइंस और टेक्नोलॉजी कुछ होती नहीं है ना, जो है सब कुरान है, इसलिए बेचारा पूरा बेइज्जत हो गया। हाँ अल्लाह ने कहा है, अरे साइंस कुछ नहीं होती है, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होती है, ये सब बकवास बातें हैं, सब बेकार बातें हैं। तो ठीक ही है ना आप लोगों का हाल, इसमें क्या दिक्कत है, अच्छा ही तो है, कुरान पढ़िए और रोजा रखिए। आप लोग सोचिए कि आप लोगों के लिए पूरी जिंदगी रोजा है, आप लोग रोजा रखिए पूरी जिंदगी, हम साल में एक महीना रोजा रखेंगे रमजान में, आप पूरी जिंदगी रोजा में रहिए, अल्लाह से कितने नजदीक हो जाएंगे आप लोग, अल्लाह के कितने प्यारे हो जाएंगे आप लोग, एकदम वही कीजिए। अब कल ही देखिए ना, आपके यहाँ एक बाजार में एक औरत को नंगा करने के लिए, उसका कुर्ता उतारने के लिए सब खड़े हो गए, 50,000 आदमी खड़ा हो गया, ए चल कुर्ता उतार, तभी ना उस औरत को नंगा करने के लिए परेशान हो गया मुसलमान, क्योंकि उसके कुर्ते में जीम है खाफ लिखा हुआ था। मैम बेसिकली वो मैं अब यहाँ पर क्या कहूँ, उन लोगों को समझ नहीं आती, बस उनके दिमागों पे पर्दे पड़ चुके हैं, ठीक है। और बहुत जो कल मैंने वीडियो देखी, वो अगर एक औरत लेडी पुलिस ऑफिसर ना आती ना, तो यकीन करें कि कोई एक बहुत बड़ा सानिया हो जाता है एक लड़की के साथ, जो बहुत दुख है मैम। और देखिए किस तरह आप हो जाता, अरे बाह क्या बात कर रही हैं आप, अल्लाह ने कहा है औरत का कपड़ा उतारने के लिए, क्योंकि जीव की खाफ जो है उसकी बेइज्जती नहीं हो सकती है, औरत नंगी हो जाए तो हो जाए, पर जीव है खाफ वो उसका उसका बेइज्जती नहीं हो सकता है। मैम कैलीग्राफी से उस पे लिखा हुआ था क्यूट और स्वीट, इस तरह की बातें लिखी हुई थी। That I know, I even I have that picture.
इवन आई हैव दैट पिक्चर. ये तो कर्सिव राइटिंग में क्यूट लिखा हुआ है, कर्सिव राइटिंग है ये, जो जाहिलों को बेशर्मों को बेहूदे मुसलमानों को लगा. देखो लगा नहीं, पढ़ाई पढ़ाई से तो कोई मतलब है नहीं, कैलीग्राफिक और कर्सिव राइटिंग समझ में कैसे आएगी. बोला जीम है खाफ लिखा हुआ है, उतारो, मतलब जीम है खाफ. इन लोगों ने तो कुरान को भी ठीक से नहीं पढ़ा सर. मैम ये बस वो ऐसी आवाम है ना जिनके दिमागों पे ताले लग चुके हैं, जिनके घरों में फाके पड़े हैं और वो बस दूसरों की उतारने पे लगे हैं. हाँ तो फिर हमसे शिकायत मत कीजिए ना कि हम पानी क्यों बंद कर दिए हैं. फिर हमसे शिकायत मत कीजिए कि हमने पानी क्यों बंद किया. देखिए मेरे साथ बहुत इंटेलिजेंट रिकॉर्डिंग हो सकती है, मेरे साथ हवाबाजी वाली रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है. हाँ पानी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आई कांट डू दैट रिबा. मैं बहुत टू द पॉइंट बातें रखती हूँ. मेरी बात हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कड़वी लग रही होगी, बट दिस इज फैक्ट ना, दिस इज द रियलिटी ना भाई. आपके और हमारे भारत के मुसलमानों के दिमाग में है कि औरत नंगी रोड पर हम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर जीम है खाफ नहीं लिखा होना चाहिए कपड़े पर. कल तो उसको नंगा चला देता रस्ते पे, कल तो उसको नंगा चला देता ना रस्ते पे. पाकिस्तान की सड़कों पर एक औरत नंगी चलती क्योंकि आपके पाकिस्तान के मुसलमान मर्दों को ऐसा लगा कि उसके कुर्ते में अरबी की कुछ भाषा लिखी हुई है, इसलिए आप लोग उसको नंगा दौड़ाने के चक्कर में थे. और क्या ही पता गैंगरेप भी कर होता, क्योंकि मुसलमान मर्द हर वक्त अपने पजामे का नाड़ा ढीला करके रखता है और पैंट का जिप खोल के रखता है. मुसलमान मर्दों का नफ्स इतना कमजोर है कि भाई बड़े बड़े इस्लामिक प्रेचर बोलते हैं कि बाप बेटी के साथ अकेले ना रहे और भाई बहन के साथ अकेले ना रहे. ये तो इस्लामिक प्रेचर बोलता है. मुसलमान मर्दों का नाभि के नीचे का हिस्सा बड़ा एक्टिव रहता है, बड़ा एक्टिव रहता है, और जिसकी वजह से भारत के मुसलमान मर्द लंबी दाढ़ी, जालीदार टोपी, टंगा पैजामा, लंबा कुर्ता, नाड़ा कस के, यहां पर बैग टांग करके निकल जाते हैं भीख मांगने के लिए, क्योंकि और किसी चीज की क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, और किसी चीज की क्रेडिबिलिटी तो है नहीं. अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर फ्रॉम द रवि रिवर कंटिन्यू टू फ्लो अनयूटिलाइज्ड टू पाकिस्तान बिलो मधुपुर, वहां पर जा रहा था. बट थैंक गॉड, और जिस हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में, जिस हिसाब से फॉस्टरिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ कर रहा है, जिस हिसाब से वाटर रिसोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब को, उस हिसाब से पाकिस्तान जैसे बेहुदा देश को पानी दे करके उसको जाया ना करके हम खुद उसको स्टोर करेंगे, क्योंकि हमारा एक छोटा छोटा गांव भी इकोनॉमिकली बहुत बूस्ट कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, इतना आगे बढ़ चुका है कि हमें इन चीजों की जरूरत है. और अपनी चीजें हम क्यों देंगे आपको, आपको अल्लाह देगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि 1960 के ये अंडर द वर्ल्ड बैंक सुपरविजन ये जो अग्रीमेंट हुआ था, इसको तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है और इसको खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं है. तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर मी, इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर भारत, इट्स अ वेरी गुड न्यूज हु रियली लव्ड भारत. और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कई निर्णय आने वाले वक्त में और भी आप लोगों को सुनने और देखने में आएंगे, क्योंकि भारत के मुसलमानों को भी अब अल्लाह समझेगा, अल्लाह बचाएगा, और पाकिस्तान को भी अब अल्लाह बचाएगा. सिर्फ इसके अलावा किसी से भी कोई भी दया, मदद, भीख, फितरा, ज़कात, जजिया, किसी भी चीज की कोई भी एक्सपेक्टेशन आप लोग मत रखिए. बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ. और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत नहीं देगा, भारत तो नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी. अरब मुल्क भी नहीं देंगे, मुस्लिम कंट्रीज भी नहीं देंगे. बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का.
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया राय खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाजिया खान जी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि पाकिस्तान को भी उधेड़ के रख दिया। और जब से भारत सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला किया है कि रावी नदी का पानी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा और वो भारत के किसानों को ही काम आएगा, तब से पाकिस्तान काफी ज्यादा बुखलाया हुआ है। तो देखा आपने नाजिया खान जी ने कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार, जबरदस्त और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।